एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 18 जनवरी को हम गूगल और उसका जो आजकल केस चल रहा है न्यूज में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो एक एंड्रॉयड इकोसिस्टम के बारे में भी है और गूगल की जो मोनोपोली है या जो लीवरेज वो लेना चाह रहा है उसके बारे में है, जिसके ऊपर काफी केस स्टडीज आ भी रही है और साथ ही साथ हमारा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन में कुछ एप्स हैं जो आप देख रहे हैं, जो जो गूगल के से जुड़े हुए काफी कनेक्टेड ऐप है जो हम सभी को फोन में अक्सर दिखाई दे जाते हैं। इनफैक्ट हम जो स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें इस तरह के जीपे और गूगल से जुड़े हुए जितने भी एप्स हैं वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। इनफैक्ट अगर आप मार्केट में नया फोन लेने के लिए जाइए, कि जैसे मैंने अभी हाल ही में नया फोन लिया है, तो उसमें भी गूगल से कनेक्टेड सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो गूगल होम हो, गूगल मैप हो, गूगल क्रोम हो, गूगल कैलेंडर हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, प्री इंस्टॉल्ड होती है। ठीक है, ये तो एक एस्पेक्ट है सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि एक्चुअली आपके फोन में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं एडवांस में। सिर्फ गूगल ही नहीं, ऐसे और भी कई सारी एप्स हैं जो प्री इंस्टॉल आती हैं हमारे स्मार्टफोन्स में, राइट। सो एक चीज है जो दिमाग में रखिएगा, आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ अभी कुछ हाल ही में न्यूज हम देख रहे हैं, मिंट की ये न्यूज है, जहां जो मुझे जो 26 अक्टूबर से शुरू करते हैं इस केस को फॉलो करना, जिसमें सीसीआई ने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं फुल फॉर्म, उन्होंने 976 करोड़ का जो इम्पोज किया था पेनल्टी गूगल के ऊपर। और ये एक काफी रिसर्च के बाद और केस स्टडी करने के बाद सीसीआई ने गूगल पे इतना अमाउंट इम्पोज किया था और पेनल्टी लगाई थी। मिंट की रिपोर्ट है 26 अक्टूबर की। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट मैं इंडियन एक्सप्रेस की रेफर कर रही हूँ यहाँ पे, जो कि 26 अक्टूबर की ही है, जहां पे लिखा था कि सीसीआई स्लैप्स 936 करोड़ पेनल्टी ऑन गूगल फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट मार्केट पोजिशन, मतलब उसकी जो डोमिनेंट मार्केट पोजिशन है उसको इनक्रैश कराने की वजह से या अब्यूज करने की वजह से उनके ऊपर इतनी बड़ी अमाउंट की पेनल्टी लगी है। और इस जो ये 26 अक्टूबर की ही न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस की। उसके बाद आप ये समझते हैं कि एक्चुअली प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और आगे क्या होने वाला है। द सीसीआई सेड गूगल लीवरेज इट्स डोमिनेंट पोजीशन टू प्रोटेक्ट द पोजीशन ऑफ एप्स लाइक क्रोम एंड यूट्यूब। उन्होंने कहा कि गूगल ने अपनी अपनी पोजीशन को लीवरेज करा रहा है, इसको इनकैश कर रहा है और डोमिनेट कर रहा है अपनी पोजीशन को मार्केट में, जो पोजीशन ऑफ एप्स, जितनी भी आपने एप्स देखी थी उन सारी एप्स को यूज करने में एंड्रॉयड इको सिस्टम को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें क्रोम भी आता है। बट मजे की बात यह है कि यूट्यूब के लिए ऐसा केस नहीं है, बट ऐसा सीसीआई ने इम्पोज किया था 4 अक्टूबर को। ठीक है, नाउ सीसीआई स्लैप्स 936 करोड़ पेनल्टी, समझ गए हैं। और लास्ट वीक, उसी हफ्ते की बात है ये, द लास्ट वीक द एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर, जिसको सीसीआई कहते हैं, एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर हैड इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 1338 करोड़ ऑन गूगल फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, 976 करोड़ की पेनल्टी के बाद ये पेनल्टी बन गई थी 1338 करोड़ की। और इसका मतलब था कि वो जो एंड्रॉयड मोबाइल से डिवाइसेस का जो इकोसिस्टम है उसको वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं मल्टीपल कैटेगरीज में। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि गूगल पहले से ही एंड्रॉयड इकोसिस्टम, जो लोग जितनी कंपनियां एंड्रॉयड को सपोर्ट करके फोन बनाती हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम समझेंगे, इसे कहते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिसको हम बाद में समझेंगे ओईएम्स क्या होते हैं। सो जितने फोनों में पहले से एंड्रॉयड, जो एंड्रॉयड को सपोर्ट करते हैं मोबाइल फोन, उनको गूगल कह रहा है कि अपने फोनों में गूगल की एप्स को पहले से डालिए, और सारे एंड्रॉयड फोन्स को कह रहा है। और इस पोजिशन को भुनाते हुए इसके ऊपर जो PIL डाली गई थी या कंप्लेंट की गई थी CCI को, उन्होंने गूगल के ऊपर 1338 करोड़ का पेनल्टी लगाई थी। ये न्यूज है 4 अक्टूबर लास्ट ईयर की। ठीक है, पहले से पहले 936 था, फिर बढ़ गया अमाउंट, ये केस था। अच्छा, आप समझते हैं केस को डिटेल में। अकॉर्डिंग टू CCI, प्ले स्टोर पॉलिसी, जो गूगल की प्ले स्टोर की पॉलिसी है, रिक्वायर एप डेवलपर्स, जो एप बनाते हैं वो रिक्वायर एप डेवलपर्स टू एक्सक्लूसिवली एंड मैंडेटरली यूज गूगल प्लेस बिलिंग सिस्टम, GPBS जिसे कहते हैं, कि जो गूगल का प्ले का बिलिंग सिस्टम को यूज करे। और ये प्ले स्टोर की पॉलिसी है कि आप हमारे बिलिंग सिस्टम को यूज करिए, और एक्सक्लूसिवली ही नहीं मैंडेटरली यूज करिए, नॉट ओनली फॉर रिसीविंग पेमेंट्स फॉर एप्स एंड अदर डिजिटल प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो फॉर सर्टन इन एप परचेजेस, मतलब एप्स में जो परचेज होती है उसके लिए उनका बिलिंग सिस्टम यूज करिए। उसके साथ ही साथ और भी दूसरी जो रिसीविंग पेमेंट्स की ऐप हैं, नॉट ओनली रिसीविंग पेमेंट्स, उसके साथ साथ डिजिटल प्रोडक्ट जो हैं गूगल के, उसको भी यूज करिए इन सर्टेन ऐप परचेजेस। ये तो पहली चीज थी।
ये सीसीआई ने बताया। उसके बाद फर्दर ऐप डेवलपर्स कैन नॉट विद इन एन ऐप प्रोवाइड यूजर्स विद अ डायरेक्ट लिंक टू अ वेब पेज कंटेनिंग एन अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड। वो कह रहे हैं कि जो ऐप डेवलपर्स हैं वो ऐप के अंदर किसी और लिंक को यूज नहीं कर सकते पेमेंट के लिए, मतलब उन्हीं का बिलिंग सिस्टम उनको यूज करना है गूगल का, ठीक है, डायरेक्ट लिंक नहीं यूज कर सकते किसी और वेब पेज का। और यूज लैंग्वेज दैट इनकरेजेस अ यूजर टू परचेज अ डिजिटल आइटम आउटसाइड ऑफ द ऐप। ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर ए नाम की ऐप बनाई गई है तो उसमें जीपी बीपी बीएस को लगाइए और सिर्फ इसी को लगाइए, मेटरली आप किसी और ऐप को यूज नहीं कर सकते। अब आप ध्यान दीजिए, अगर एक एप्लीकेशन में सिर्फ सिर्फ गूगल को ही सपोर्ट करने के ऐप होंगे तो बाकी जो ऐप बना बाकी जो एप्स बन रही हैं, चाहे वो पेटीएम हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो भीम ऐप हो जिससे पेमेंट होती है, कोई भी वॉलेट वाला पेमेंट जैसे गूगल बिलिंग पेमेंट है, ऐसे कई और भी बिलिंग पेमेंट है, उनको आप यूज नहीं कर सकते। ऐसा है, गूगल अपनी जगह को इनकैश करा रहा है, सीसीआई ने बताया। If the app developers do not comply with GPBS, they are not permitted to list their apps on the Play Store and stand to lose out on the vast pool of potential customers in the form of Android users. ध्यान दीजिएगा कि गूगल एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म भी है। ऐसा नहीं गूगल का कोई यहाँ पे नेगेटिव आस्पेक्ट हाईलाइट हो रहा है, बट क्योंकि वो अच्छा प्लेटफॉर्म है, गूगल प्ले पे अगर आपको अपनी एप्लीकेशन लानी है, अगर आप अपनी ऐप को रजिस्टर कराना चाहते हैं गूगल प्ले पे, तो उन्होंने कहा हमारा बिलिंग सिस्टम आप यूज करेंगे, ये एक उन्होंने कंडीशन लगा दी और मैंडेटरी कर दिया इस चीज को। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन गूगल प्ले पे रजिस्टर हो तो हमारी हमारा जो बिलिंग सिस्टम है लगाइए, ऐसी बात। नाउ मेकिंग एक्सेस टू द प्ले स्टोर डिपेंडेंट ऑन मैंडेटरी यूसेज ऑफ जीपीबीएस फॉर पेड एप्स एंड इन एप्स परचेजेस इज वन साइडेड एंड आर्बिट्री, ठीक है, समझ में आता है, एंड डिवॉइड ऑफ एनी लेजिटिमेट बिजनेस इंटरेस्ट, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी चीज, सीसीआई ने इस बात को हाईलाइट किया और इसके बाद उनके ऊपर इम्पोज किया पेनल्टी को, ठीक है। नाउ मजे की बात क्या है, गूगल इज नॉट अप्लाइंग द सेम पॉलिसी ऑन इट्स ओन ऐप लाइक यूट्यूब। यूट्यूब में ये पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है। दिस अमाउंट्स टू इम्पोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन एज वेल एज प्राइसिंग एज यूट्यूब इज नॉट पेइंग द सर्विस फी एज बीइंग इम्पोज ऑन अदर एप्स कवर्ड इन द जीपीबीएस रिक्वायरमेंट द एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर स्टेट। एंटी ट्रस्ट का मतलब हुआ, एंटी ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट को तोड़ने वाला रेगुलेटर, उसको वॉच करने वाला जो ट्रस्ट को तोड़ रहा है वो रेगुलेटर बना सीसीआई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो चीज है यूट्यूब के लिए अप्लाई नहीं होती है, और इस केस में ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि आप अपने ही ऐप को ये यूज करने नहीं दे रहे, ओन ऐप लाइक यूट्यूब, और बाकी लोगों को आप हैरास कर रहे हैं, तो ये सीसीआई ने उनके ऊपर अमाउंट इम्पोज किया। आगे समझते हैं, द सीसीआई लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन। और जब ये आउटपुट आया कैसे कि सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया था गूगल प्ले के अगेंस्ट स्टोर पॉलिसीज इन 2020 अपॉन कंप्लेंट्स बाय डोमेस्टिक ऐप डेवलपर्स, और ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। इसके बाद जितने जो ऐप डेवलपर्स हैं उन्होंने कहा ये तो गलत बात है, तो उन्होंने कंप्लेन करी, ठीक है। इट ऑल्सो एग्जामिन द एलिगेशन ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ राइवल यूपीआई पेमेंट ऐप सच एज फोन पे, पेटीएम, भारत पे, ठीक है, एज ऑल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन ऑन प्ले स्टोर। और ये एग्जामिन किया उन्होंने कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं एक्सक्लूजन ऑफ राइवल यूपीआई पेमेंट सच एज फोन पे के माध्यम से, पेटीएम और भारत पे, जैसे मैंने कहा ना कि और लोगों को दिक्कत हुई, ऑब्वियसली जो हमारे इंडियन ऐप्स है उनको भी दिक्कत हुई, और जिसके हवाले से, और जो ये एक तरह का डोमिनेटिंग पोजिशन थी गूगल की, उसको चेक करने के लिए सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, पाया कि हाँ ये बात सच है, और पेनल्टी इम्पोज करी। अब आगे समझते हैं, NCLAT, अब आता क्या है, जब सीसीआई ने ऐसा अमाउंट इम्पोज किया तो गूगल NCLAT के पास चला गया। NCLAT क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ध्यान दीजिएगा ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है और ये सीसीआई के ऊपर आता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आता है NCLAT, ठीक है। और ये कंपनीज के जितने डिस्प्यूट होते हैं उनको हैंडल करता है, उसके लिए पेनल्टी इम्पोज करना, पनिशमेंट इम्पोज करना उसकी अथॉरिटी है। Now, NCLAT directs Google to pay 10% of ₹1337 crore penalty imposed by CCI. 4 जनवरी की बात है इसी साल की, कि NCLAT ने कहा कि आप 10% पे कर दीजिए जो भी आपके ऊपर CCI ने इम्पोज किया है। The penalties were imposed over alleged violation in the Android mobile ecosystem. और पेनल्टी क्यों थी,
क्योंकि आपने वायलेट किया है एंड्रॉयड मोबाइल के इकोसिस्टम को। किसी और को आप फोनों में आने नहीं दे रहे, घुसने नहीं दे रहे। आपने ऐसा सिस्टम बना दिया कि कोई और ऐप में आप एप्लीकेशन लगा ही नहीं सकता सिवाय आपके। अगर आप बनाने वाला है तो अगर रजिस्टर कराना है तो जीपीबीएस को लगाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा एनक्लैटी के ठीक है, सीसीआई ने जो कहा है उसका 10% आप जमा कर दीजिए, और जो उनके ऊपर इम्पोज किया गया है सीसीआई के द्वारा। ये पीटीआई की रिपोर्ट है, ये है 4 जनवरी की। उसके बाद अब समझते हैं कि कहानी थोड़ी और बदली। अ टू मेंबर बेंच हाउएवर डिक्लाइन टू ग्रांट एनी इमीडिएट स्टे बाय द ऑपरेशन ऑफ कंपटीशन सीसीआई पेनल्टी एंड सेड इट वुड पास एनी ऑर्डर आफ्टर हियरिंग आउट अदर पेनल्टीज। अब क्या हुआ, एनक्लैट ने कहा कि हम सुनेंगे बाद में, पहले आप सीसीआई की पेनल्टी को हम स्टे नहीं कर रहे हैं, उसके 10% को आप पे कर दीजिए। वी आर ऑफ ओपिनियन दैट ऑफ मोमेंट गिवन द वॉल्यूमिनस नेचर ऑफ द अपील देर इज नो नीड टू पास एन इंटरिम ऑर्डर। उनका कोई इंटरिम ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, चीजें क्लियर है और सामने दिख भी रही है, तो आप ऐसा उसको फॉलो कर लीजिए। नाउ अलॉन्ग विद 10% ऑफ द टोटल अमाउंट गूगल विल हैव टू टेक अ सीरीज ऑफ मेजर्स डायरेक्टेड बाय एफसीसीआई। उन्होंने ये भी कहा कि 10% जो है वो तो पे करना है, बट गूगल विल हैव टू टेक अ सीरीज ऑफ मेजर, वो भी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जो सीसीआई ने बताई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्री इंस्टॉलेशन ऑफ गूगल एप्लीकेशन एप्स ऑन एंड्रॉइड फोन मे नॉट बी अलाउड। उनका जो प्री इंस्टॉलेशन होता है ना फोन के अंदर गूगल एप्स का, वो अलाउ नहीं होगा आपसे, ये भी बोला एनक्लैट ने। ट्रिब्यूनल इश्यूड नोटिस टू सीसीआई एंड डायरेक्टेड टू लिस्ट द मैटर ऑन February 13 फॉर हियरिंग ओवर इंटरिम से। उन्होंने कहा, उन्होंने सीसीआई को इंस्ट्रक्ट किया कि आप मैटर क्या है उसकी लिस्ट बनाइए, हमको भेजिए, और 13 फरवरी तक और इसकी हियरिंग को इंटरिम स्टे टू फॉर हियरिंग ओवर इंटरिम स्टे, जो इंटरिम स्टे था उसकी हियरिंग के लिए। द एनक्लैट डायरेक्शन केम ओवर अ पिटिशन फाइल्ड बाय गूगल चैलेंजिंग सीसीआई ऑर्डर ऑन द टेक जायंट अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन मल्टीपल मार्केट्स। ठीक है, सो जो डायरेक्शन था पिटिशन का जो एनक्लैट के पास गूगल गया, तो उन्होंने चैलेंज किया था सीसीआई के इशू को कि हम इतना पैसा नहीं पे कर सकते इन द एंड्रॉइड मोबाइल इकोसिस्टम, सेइंग द वर्डिक्ट इज अ सेटबैक फॉर इंडियन यूजर्स एंड विल मेक सच डिवाइसेस मोर एक्सपेंसिव इन द कंट्री। और इससे क्या होता है, सिर्फ यही नहीं कि डोमिनेशन होता है, जो एप्लीकेशन से गूगल का एप्लीकेशन अगर हर फोन में होगा, गूगल एक बड़ी कंपनी है, उसके एक सेट नॉर्म्स हैं और अपनी एप्लीकेशन को प्रमोट करने का भी पैसा चार्ज करते हैं वो, तो जब आप अपने ही बिलिंग सिस्टम को फोन पे अगर रखने के लिए बोलेंगे डेवलपर से, तो फोन का भी तो प्राइस ऊपर जाता है ना, तो ये भी एक इशू था उसके साथ में। ठीक है, इसको उन्होंने हाईलाइट किया। Now, CCI had also imposed non-monetary sanctions on Google for allegedly abusing the dominant position. ठीक है, समझ में आ गया, non-monetary sanctions भी लगाए उन्होंने। It also directed the tech giant to modify its conduct. उन्होंने कहा अपने conduct, अपने जो आपका structure, जो structure है standard, उसको change करिए। It was challenged by Google before NCLAT, which is an appellate tribunal over the CCI against any direction issued or decision made or order passed by the regulator. ठीक है, तो ये तो NCLAT की कहानी हो गई। आप एक चीज यहाँ पे हमारे लिए समझने के लिए है, एंड्रॉयड हैज ग्रेटली बेनिफिटेड इंडियन यूजर्स। सिर्फ ऐसा नहीं कि नुकसान ही हुआ, फायदा भी हुआ। एंड्रॉयड हैज ग्रेटली बेनिफिटेड इंडियन यूजर्स डेवलपर्स एंड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड पावर्ड इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन गूगल हैड सेड। गूगल ने कहा कि हमारी वजह से बहुत सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को फायदा भी हुआ है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काफी हेल्प हुई है इंडिया में, जो इंडियन यूजर्स हैं वो डेवलपर्स, क्योंकि आप समझिए ना, गूगल जिस जिस एप्लीकेशन को रजिस्टर कराता है वो काफी सोच समझ के सारी चीजों को देख दाग के करता है सिक्योरिटी एस्पेक्ट से। अगर गूगल पे कोई एप्लीकेशन रजिस्टर है तो वो एक ऑथेंटिक ऐप होने के पूरे चांसेस हैं उसके ऊपर। तो इससे क्या हुआ, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे, जो इसका मतलब होता है जो ओरिजिनल पार्ट बनाने वाली कंपनी है, इनको भी देखेंगे, उनको कहते हैं OEMs। मतलब अगर एक फोन आपके पास है तो उसके सारे पार्ट एक कंपनी नहीं बनाती, उसकी स्क्रीन कोई और बनाता है, बैटरी कोई और बनाता है, बॉडी कोई और बनाता है, तो सारे लोगों से प्रोडक्ट लेने के बाद 1, 2, 3 इसको असेंबल करके एक फोन बनाया जाता है। तो गूगल ने कहा हमने इन सबको फायदा दिया है, अगर इनके बनाए हुए फोन पे गूगल की ऐप नहीं होगी तो इस फोन को लेगा कौन, तो हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काफी हेल्प करी है इंडिया की, और इससे डेवलपर्स को तो फायदा है ही, यूजर्स को भी फायदा है, क्योंकि ऑब्वियसली अब जी पे आपके फोन पे है तो आप उसको सोचते हो हाँ ठीक है चलो अच्छी कंपनी है रजिस्टर्ड है इसे मैं पेमेंट कर सकता हूँ, पर अगर मैं बोलूँ एक्सपे करके एक और एक ऐसी कंपनी से कभी सुना ना हो आपने, तो आप उसको ऑप्ट नहीं करोगे, गूगल को ऑप्ट करोगे, क्योंकि गूगल का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो गूगल ने काफी हद तक OEMs को फायदा पहुंचाया, ऐसा उन्होंने कहा।
ठीक है, आगे समझते हैं। नाउ 16 जनवरी की न्यूज ये है कि गूगल गूगल सीसीआई पेनल्टी केस विल यू अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, एनक्लैट के एक लाइन जोड़नी पड़ेगी यहाँ पे, मिस की है मैंने, कि एनक्लैट के बाद, एनक्लैट की बातों के बाद वो गूगल जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो जाना ही था क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट कैसे वो पे करता। सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई और कहा कि विल यू पुट इन सेम रिजीम एज इन यूरोप, आस्क गूगल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा आप यूरोप में करके आए हैं क्या वैसा ही इंडिया में भी करेंगे। क्यों कहा, इस चार्ट से समझते हैं। ये मुझे मिला इकोनॉमिक्स टाइम्स में। आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ साउथ कोरिया, ये सारे देशों में भी गूगल का ऐसे ही कुछ बैक ट्रैक रहा है, जहां पे उन्होंने अपनी पोजीशन को इनकैश कराने की कोशिश करी है। देखिए यहाँ पर कि 2018 में यूरोपियन कमीशन ने उनके ऊपर 4.34 बिलियन का पेनल्टी लगाया था। साथ ही साथ आप देखिए कि इस केस में ऑस्ट्रेलिया ने भी लेजिस्लेशन पास किया था 2021 में टू फोर्स डिजिटल कॉज सच एज गूगल एंड फेसबुक टू पे लोकल पब्लिशर्स फॉर न्यूज कंटेंट, ध्यान दीजिए। उसके साथ साउथ कोरिया में भी 21 में उन्होंने कमीशन से फाइन किया था गूगल को $177 मिलियन पे करने के लिए। तो यूरोपियन यूनियन का एक लंबा इतिहास रहा है इसके हवाले से, जिसको वो हाईलाइट कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट। और यूएस में भी है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन अक्टूबर 2020 फाइल्ड एन एंटी ट्रस्ट लॉ सूट टू स्टॉप गूगल फ्रॉम अनलॉफुली मेंटेनिंग मोनोपोलीज थ्रू एंटी कॉम्पिटेटिव एंड एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस इन सर्च एंड सर्च एडवर्टाइजिंग मार्केट, ठीक है। तो इसी तरह की चीजें ऑलरेडी गूगल की पहले भी हिस्ट्री से जुड़ी रही हैं, उसी को इम्पोज करके या उसी को हाईलाइट करके सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा था, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द हियरिंग अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ आज सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी गूगल काउंसिल जो है उनसे पूछा, विल गूगल प्रैक्टिस द सेम रिजीम इन प्लेस इन इंडिया एज यू हैव इन यूरोप, ठीक है, यूरोप की जैसी कहानी यहाँ पे भी होगी क्या। द चीफ जस्टिस एडेड प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन दिस एंड कम बैक नेक्स्ट हियरिंग इन अप्रैल, नो नीड फॉर इंटरिम ऑर्डर। उन्होंने कहा कोई इंटरिम ऑर्डर की जरूरत नहीं है, इस पे काम करिए और अप्रैल में आपकी हियरिंग होगी। नाउ अभी 17 जनवरी की न्यूज है, ये कल की ही न्यूज है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के लिए तैयार हो गया है और जो इस अमाउंट पे, इस पे जो हियरिंग करेगा सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई होगी और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। क्योंकि जो एनक्लैट जो एपिलेट ट्रिब्यूनल है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कोई भी इंटरिम रिलीफ देने के लिए और उन्होंने कहा था कि सीसीएन जो अमाउंट इम्पोज किया उसका 10% आप पे कर दीजिए, या फिर जो आप जो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट किया है वो भी आप फॉलो करिए और जो अमाउंट इम्पोज किया है उसको आप पे करिए या फिर 10% पे करिए, ठीक है। ये सिचुएशन थी जिसको उन्होंने नहीं माना और वो सुप्रीम कोर्ट चलेगा, अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अच्छा, अब समझते हैं, अपने पुराने सवाल पे आते हैं कि OEM क्या होता है, ठीक है। OEM क्या है? सो एन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल जो प्रोडक्ट के पार्ट होते हैं उनके उनको बनाने वालों को कहते हैं OEM। मेक सिस्टम और कॉम्पोनेंट दैट आर यूज इन अनदर कंपनीज एंड प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ना उसमें कई सारे पार्ट जुड़ करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो किसी से हमने, जैसे सपोज करिए कार बननी है, किसी से हमने टायर ले लिए, किसी से हमने उसकी बॉडी ले ली, किसी से हमने उसकी बैटरी ले ली और ये सब जुड़ करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हर तरह की इंडस्ट्री में डोमिनेट करती हैं क्योंकि वो ऐसे बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होते हैं, ऐसा नहीं छोटी मोटी कंपनियां हैं। बट वो क्या करते हैं, क्योंकि ब्रांड पे हाईलाइट नहीं करते हैं, वो सीधे सीधे जाते हैं कि ठीक है मैं ए नाम की कंपनी हूँ, मैं ज्यादा फेमस नहीं हूँ या फिर मेरा सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग में है, तो मैं क्यों ना इसको एक्स वाई जी को बेचूं जो बड़ी कंपनी है, इससे मुझे फायदा भी मिलेगा और मेरा प्रोडक्ट भी बिक जाएगा। हो सकता है कि इसका कोई ब्रांड ही ना हो, इसका ब्रांड हो भी पर इतना फेमस ना हो, तो ऐसा OEMs करते रहते हैं। और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा होता है क्योंकि आप ध्यान दीजिए ये होता सब इंडस्ट्री में, लेकिन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में इसका नाम ज्यादा बढ़ चढ़ के न्यूज में आता है। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स फॉर एग्जांपल कंपनी बंडल और इंटीग्रेट OEM पार्ट सच एज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर इनटू द सॉल्यूशन दे सेल, OEMs कैन सेव टाइम एंड मनी। तो उससे क्या होता है, उनका पैसा भी बचता है, उनको प्रॉफिट भी मिलता है और उनके प्रोडक्ट भी निकलते रहते हैं। और ये सिर्फ कंप्यूटर्स में नहीं है, ये कई सारी इंडस्ट्री में, जैसे कार असेंबलिंग, जहां जहां असेंबलिंग होगी, जहां जहां अलग अलग पार्ट्स लेके प्रोडक्ट बनाया जाएगा फाइनल, वहां पे OEMs का की भूमिका आती है। तो ये यूपीएससी के प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये पूरा का पूरा केस स्टडी हमारे लिए GS 3 के पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में। और साथ ही साथ इसमें भूमिका
हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी आ रही है, तो GS2 के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। GS1 के लिए इससे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसको पूछा जा सकता है कि कैसे ये इंडियन एंड्रॉयड सिस्टम को इफेक्ट करता है, कैसे हमारे डेवलपमेंट वाले पार्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसे आप कवर करेंगे। नाउ अब समझते हैं कि CCI क्या है, जिसमें इसको सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। तो CCI एक स्टेचुरी बॉडी है, उसका गठन 2002 के एक्ट के हिसाब से हुआ था। पार्लियामेंट ने इसको इम्पोज किया एक्ट बना के, एंड गवर्न द इंडियन कॉम्पिटिशन लॉ, और इंडियन कॉम्पिटिशन लॉ को गवर्न करता है। द एक्ट रिवाइज द प्रेसिडेंशियल असेंट इन 2003 में इसको रिवाइज किया गया। इसके पहले MRTP 1969 का एक एक्ट हुआ करता था, उसको हटाकर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को लाया गया। तो इसको कहते थे पहले मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, और ये सवाल प्री में पूछा भी गया है पहले। नाउ इट वॉज डन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद इसको बनाया गया या फिर रिप्लेस किया गया। नाउ CCI की जो मेन काम है वो समझ लेते हैं कि एक्चुअली वो क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या उनकी पोजिशनिंग है। तो एलिमिनेट प्रैक्टिसेस एडवर्स टू कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिशन को खराब करे उसको हटाना, उन प्रैक्टिसेस को हटाना। अंडरटेक कैपेसिटी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन एडवोकेसी, मतलब अच्छा कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन रहे मार्केट में, किसी की मोनोपोली ना हो, कोई किसी की पोजिशन को हाईजैक ना करे, इस सब चीजों को हटाने के लिए CCI है। नाउ इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन मार्केट, मतलब फ्री ट्रेड हो, किसी तरीके की कोई गुटबंदी या किसी नेगेटिव सोर्सिंग की जगह ना हो। प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंटरेस्ट जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो, उसको फेयर मार्केट मिले, फेयर प्राइसेस मिले, कॉम्पिटिशन मिले, ताकि वो छांट के परचेजिंग कर सके और अपनी बातों को आगे बढ़ा सके अगर कोई ग्रीवेंस होता है। और गिव ओपिनियन ऑन कॉम्पिटिशन इश्यूज, और अपनी ओपिनियन भी देता है कॉम्पिटिशन के इश्यूज के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद समझने वाली बात यह है कि एनक्लैट में ये मुद्दा गया। तो मैं जैसे मैंने कहा कि जो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अपील का मतलब होता है कि अपील किए जाने वाला ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल के भी सारे अधिकार एक कोर्ट की तरह ही होते हैं। तो बट क्वेश्चन हमेशा कभी कभी ये फंसता है कि एक होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और एक है नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ध्यान दीजिए, इसका फर्क हम समझ लेते हैं फटाफट से। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 2013 के हिसाब से, इट इज अ सक्सेसर बॉडी ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड, ये कंपनी लॉ बोर्ड की सक्सेसर बॉडी है, मतलब नियम बनाने वाला जो बोर्ड था कंपनी का, उसका सक्सेसर बॉडी है आगे की, मतलब आगे का जो प्रेजेंट टाइम की जो बॉडी कहनी चाहिए। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन जस्टिस एरेंडी कमिटी, और ये एरेंडी कमिटी के आधार पर बनाया गया लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, लॉ को आप समझ रहे हैं ना कि नियम बनाने वाला ट्रिब्यूनल। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, जो कि कंपनी के वाइंड अप के, मतलब कंपनी के खत्म होने के बाद की प्रोसीडिंग्स को फॉलो करता है, और अगर कंपनी सॉल्वेंट हो जाती है या बैंकरप्ट हो जाती है उस केस में इसको फॉलो करता है। इट इज अ क्वाजाई जुडिशियल बॉडी, क्वाजाई का मतलब होता है आधे अधिकार होते हैं जुडिशरी वाले, आधे अधिकार, पूरे अधिकार नहीं है। सेटअप टू गवर्न कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और ये सेटअप किया गया है कंपनीज को गवर्न करने के लिए जो एक्ट 2013 में गठित की गई। ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 के बाद अब ये वाला एक्ट कंपनीज के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि गूगल एक कंपनी है तो वो एपिलेट में ही जाकर के अपनी बात को कह सकता था, उसके पहले कॉम्पिटिशन कमीशन ने उनको अपनी बात कही थी। ठीक है, पावर्स ऑफ NCLT क्या है, मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, रिवाइवल ऑफ सिक कंपनीज एंड वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनीज। ठीक है, इतना समझना जरूरी है। उसके बाद ना NCLAT जिसकी, जहां पे गूगल गया और अपील करी CCI के बाद, वो क्या है। सो NCLAT वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एन नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो जो इस समझिएगा, उन चीजों की, उन केसेस की हियरिंग करता है जिसको अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर, जो ऑर्डर कंपनी लॉ बोर्ड के हैं उनके अगेंस्ट में जो भी रिक्वेस्ट या अपील की जाती है उनको ये सुनवाई करता है अभी के लिए। और इसके अलावा अगर CCI से भी कोई हैप्पी नहीं है, उसके नियम से भी कोई हैप्पी नहीं है, या उसके इंस्ट्रक्शन से या रूल्स एंड रेगुलेशन से, इम्पोजिशन से हैप्पी नहीं है, तो भी एनक्लैट में जा सकते हैं। मतलब कंपनी जो भी होती है अगर वो नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड के नियम से हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, तो भी आप ये आप कर सकते हो, और CCI से नहीं हो तो भी आप अपील कर सकते हो। एनक्लैट इज ऑल्सो द एपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय NCLT, जैसे कि हमने समझा।
आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट से भी अगर कोई खुश नहीं है तो भी यहाँ पे अपील कर सकता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2016। ठीक है, सो एनसीएलटी और आईबीसी के जो नियम के आधार पर कोई भी पेनल्टी अगर उन पर आती है या कोई बात इम्पोज की जाती है और कंपनी उस बात से हैप्पी नहीं है तो वो जा सकते हैं अपील करने एनक्लैट में। नाउ एनक्लैट इज ऑल्सो द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द आईबीसी, जिसे हमने समझ लिया। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज बीन कंस्टिट्यूटेड टू हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड अथॉरिटीज अंडर द सेड एक्ट। मतलब एडजुडिकेटिंग का मतलब होता है जो किसी भी समस्या पे प्रॉब्लम पे कोई निवारण देने वाली अथॉरिटी। तो अगर कोई अथॉरिटी है या कमीशन है तो उनकी बातों के अगेंस्ट भी अगर कोई चाहे तो ट्रिब्यूनल में जा सकता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल्स आर जुडिशियल और क्वाजाई जुडिशियल। समझने वाली बात है कि ट्रिब्यूनल क्वाजाई जुडिशियल मतलब आधे अधिकार भी रखते हैं और पूरे उनको पूरे जुडिशियल ऑर्डर अधिकार भी होते हैं। इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, इतना समझना जरूरी है। पर अभी फिलहाल के लिए ट्रिब्यूनल का मतलब ये हुआ कि कोर्ट के लेवल के अधिकार उनको होते हैं, बट कोर्ट की जो लेयरिंग है वो ट्रिब्यूनल से थोड़ी आगे है। अभी देखेंगे हम। नाउ इस पिक्चर में हम देखते हैं कि आप देखिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहां पर आई, उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी फर्स्ट, उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ये एक चार्ट है, हायरार्की है। आप देखिए कि पहले कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है, इसे कमीशन के पास भी जा सकता है, सीसीआई कमीशन भी है अगर, क्योंकि सीसीआई को हमने बनाया ही एक एक स्टेचुरी बॉडी है तो वो भी इस केस की सुनवाई कर सकता है, पर उसके पास अथॉरिटी नहीं होती ट्रिब्यूनल वाली ना ही कोर्ट वाली कि वो सजा पेनल्टी नहीं दे सकते। हाँ, पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं पर पनिशमेंट नहीं दे सकते, जो अधिकार कोर्ट के पास है। उसके साथ नेक्स्ट आता है फर्स्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी। तो मतलब इन दोनों को आप एक ही मानिए कि अथॉरिटीज में जो चीजें सॉल्व नहीं हो पाई उसके बाद आप जा सकते हो ट्राइब्यूनल में, और ट्राइब्यूनल से अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आप हाई कोर्ट जाओगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो गूगल सबसे पहले, अगर आप देखें सीसीआई को अगर इसी लेयर पे रख दें, कमीशन ने उनको कहा कि आपकी प्रैक्टिसेस सही नहीं, गूगल पहले सीसीआई के पास गया नहीं था, सीसीआई को लोगों ने कंप्लेन किया था और सीसीआई ने उनके ऊपर एक अमाउंट इम्पोज किया कि आपकी प्रैक्टिसेस सही नहीं है, आप इतना अमाउंट पे करिए, इतने करोड़ का अमाउंट पे करिए। तो उन्होंने कहा हम नहीं पे करेंगे, फिर वो ट्राइब्यूनल चले गए जो इसको कहते हैं एनसीआरएटी, वहां गए, उन्होंने कहा कि ठीक है आप 10% पे कर दीजिए और सीसीआई की बातों को मान लीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, फिर वो उनको जाना चाहिए था हाई कोर्ट, बट ठीक है हाई कोर्ट की सिचुएशन में कि केस के हिसाब से, क्योंकि कुछ ट्राइब्यूनल की प्रोसीडिंग्स और कोर्ट की प्रोसीडिंग समहाउ कुछ कुछ सिमिलर होती हैं, तो हाई कोर्ट के हिसाब से स्टेट वाइज जो भी प्रोसीडिंग है लॉ की उसके मद्देनजर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील दायर कर दी, और सुप्रीम कोर्ट अब फाइनली तैयार भी हो गया है उसको सुनने के लिए। जैसे कि हमने इस न्यूज के हिसाब से अगर लें, हाँ 17 जनवरी की जो न्यूज है, कल की न्यूज है, उस हिसाब से अब सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई भी करेगा। तो लेट्स सी कि एक्चुअली क्या निकल करके आता है। तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट गूगल, और आई होप कि इन्फॉर्मेटिव होगा, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि गूगल में एक्चुअली क्या चल रहा है और क्यों ये केस ज्यादा न्यूज में है। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और आगे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।